खाएंगे हम ये चला दे रहे इमरान खान आना चाहिए हम क्यों मार इमरान खान को सब ले आओ भाई हमारे घर में हमारे घर में बहुत बुरे हालात हो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फातिमा हसीब, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की किस्मत के लिए बहुत बड़ा दिन है। इलेक्शन डे है आज हमारे मुल्क में, 8/5 है, सब ने वोटिंग करी, वोट डालकर आए सब, सबको सब ने बोला कि जाएं वोट डालें, इनकरेज किया सब लोगों को। हमने भी वोट डाला है, मेरा निशान ये रहा, और इसी तरह मेरी फैमिली ने भी वोट डाला। मैं सबसे बारी बारी पूछूंगी कि उन्होंने किसको वोट डाला, वो क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी आए हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करे। हम देखते हैं, सबसे बारी बारी पूछते हैं, और न्यूज़ में जो सूरत हाल चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे थोड़ा थोड़ा सा वोट के बारे में और कौन आए हमारे मुल्क के ऊपर, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी मम्मी से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपने वोट डाला क्यों नहीं? और किस पार्टी को आपने वोट डाला? आप क्या चाहती हैं कि कौन आए हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करे, किसको चाहती हैं आप? देखिए जी, मैं तो चाहती हूँ कि चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज ग्रुप हो, चाहे पीटीआई हो, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल, यूथ का उनके लिए अच्छा हो, वो ही आना चाहिए। हमारे मुल्क में से बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ज्यादातर अक्सरियत जो है वो पीटीआई की है, लेकिन अब उन बेचारों को छोड़ तो नहीं रहे बिल्कुल भी, उनको आगे आने, उनको पीछे से पीछे धकेला जा रहा है। मेरे ख्याल में लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये धांधली हो रही है। क्या हो रहा है ना, धांधली हो रही है, बहुत बड़ी धांधली हो रही है, और काफी यानी के पोलिंग स्टेशन से ना काफी धांधली की ना रिपोर्टिंग भी आ रही है, क्योंकि हम साथ साथ न्यूज भी देख रहे हैं और न्यूज में भी बता रहे हैं क्या चल रहा है। और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत जो हमारे हक में, हमारे बच्चों के हक में, हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो। हम यानी के ओवरसीज के लिए हम लोग ना बाइस शर्म ना बने, वो हमारे यानी के हुक्मरान आने चाहिए। सही बात है। तो आपने अब थोड़ा सा वाजे करके आप बता दें कि आपने किसको वोट डाला है। अभी भी बहुत बड़ा फट्टा हो जाएगा, मैंने वोट किसको डाला है, डाला तो लाजमी सबको पता होगा किसको डाला है, या कना बदू या कनस्ते। सही बात है, मतलब के इमरान खान, दुआ है हमारी। हाँ, और जाहिर है इमरान खान ने तो बोला है घबराना नहीं है, हम सब घबरा भी नहीं रहे, लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा हमारे मुल्क के लिए वैसे ही होगा। सो देखते हैं, अभी मम्मी से हम और भी बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं मरियम से। हेलो मरियम, बहुत टाइम बाद, आपकी ट्रैवलिंग कंप्लीट हो गई है? नो, अभी और घूमने फिरने जाना है? ये सफर में रहती है हर वक्त, तो आज मैंने इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। अब जो तुम बताओ मरियम के, वोटिंग चल रही है, सबसे पहले ये बताओ। वालेकुम सलाम जी, ट्रैवलिंग तो अब ऑलमोस्ट डन हो चुकी है मेरी, लेकिन चलती रहेगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और वोट, अच्छा मैं ये पूछी थी, आपने वोट डाला है? ऑफ कोर्स मैंने वोट डाला है। और किसको डाला है? अपने आप को डाला है। मैं सिर्फ अपने आप को वोट दूंगी, मैं किसी को इस काबिल नहीं समझती कि मैं लोगों को वोट दूं, ठीक है। मैं अपनी फेवरेट हूं, सही, ये भी अच्छी बात है। तारे देख रही हूं मैं चमकते तारे में देख रही हूँ। चलो ये तो सही, लेकिन जो हमारे अभी मुल्क पर आएंगे, जो हम पे हुक्मरानी करेंगे, अब आप आइए मुद्दे पर आए, मेरा प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, सबसे पहले आप मुझे अपना थंब दिखाएं ताकि मुझे वाजी हो कि आपने डाला या नहीं डाला। चलो वोट तो हो गया, डन है। चलो मैंने खुद ही अपने आपको क्योंकि मैं किसी और को इसका भी नहीं समझ में क्या करूं। और जो अभी तुम कैमरे के पीछे इमरान खान की तारीफ कर रही थी वो क्या था? बन क्या बंदा? नो डाउट इमरान खान इज द बेस्ट लीडर, ओके। वो बंदा इतना कोई सच्चा है, सच्चा। अब उसको निकाह की बिना पर कैद करें या जिस भी बिना पर है, सच्चाई की जीत कभी भी नहीं होती इस दुनिया में, तो सच्चाई की जीत है ही नहीं ना। खैर वो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं उनके लिए क्या, उनके लिए बेहतर है क्या नहीं, लेकिन जो वो बंदा, उस बंदे जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। वो मुल्क से भागा नहीं है, उसने अपने आप को अंदर कैद करवा लिया, लेकिन वो भागा नहीं औरों की तरह, ठीक है। वो उस बंदे जैसा तो कोई भी नहीं है। खैर वो बंदा इंशाल्लाह उसके हक में बेहतर होगा, ठीक है, ये जो भी उसके सजा सुना दी गई है। अब तुम्हें क्या लगता है, ये पार्टीज में से पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई, चलो अब क्या लगता है आपको, वो बताएं आप। मुझे जहां तक लग रहा है, मुझे लग रहा है ये शरीफ लोग है ना, यही लोग आएंगे, क्योंकि शरीफ लोग ज्यादा शरीफ है ना, और ना आवाम शरीफों को वोट देती है, हरामियों को तो नहीं देती, तो शरीफ लोग आने वाले, मेरा दिल ये कह रहा है। सही, तो ज्यादातर मरियम नवाज के सारे फैन है ना, तो उसको देखते हुए तो फिर ये सारे शरीफ लोग ही आने वाले।
तो जी ये मरियम ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मम्मी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने अपना। मुझे ये बताना है कि हम सब ओवरऑल हमारी जितनी भी फैमिली, हम सब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी हो जाए हमारी सपोर्ट पीटीआई के साथ है, और हम हमारे जितने भी सुनने देखने वाले हम उनको भी यही बोलेंगे, क्योंकि वो यूथ के लिए अच्छी है। बेशक वो बंद है, इमरान खान को अंदर रखा हुआ है किसी भी बिना पे, झूठे केसेस के बिना पे, लेकिन लेकिन जो है हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। अलमीर भी बहुत ज्यादा रो रहा है। इमरान खान आएगा, इमरान खान आएगा, इमरान खान आएगा। आप लोग देखें मेरे गुस्से में आगे क्या किया है। इमरान खान आएगा, इमरान खान, इमरान खान आएगा मेरा बच्चा। जी जी बच्चा रो रो जी जी इमरान अलमीर बहुत ज्यादा रो रहा है। हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्लॉग। बैड सीन ये हुआ है कि अलमीर का पजामा फट गया। और अगर इमरान खान नहीं आए हम सबकी चड्डियां फाड़ेंगे, ऐसे ऐसे हम सबका सब कुछ फाड़ेंगे, ऐसे ऐसे आना चाहिए, आना चाहिए। हम सोफे खाएंगे, हम ये बुला दे रहे इमरान खान आना चाहिए, हम न्यू मारेंगे इमरान खान को। सब ले आओ भाई हमारे घर में, हमारे घर में बहुत बुरे हालात हो गए हैं, इसीलिए हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ इमरान खान चाहिए, और इस बच्चे का पजामा ये फट गया है पता नहीं किस वजह से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नाड़ा उसके बदन पे हमने छोड़ा है, हम नाड़े भी नहीं छोड़े।